हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन, NEF रिएक्शन, नेफ रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है, नेफ रिएक्शन। अब देखते हैं जो नेफ रिएक्शन है उसका यूज कहाँ होता है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, कैटलिस्ट क्या यूज होते हैं, इसकी रिएक्शन कैसे होती है, मैकेनिज्म कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ एंड तक बने रहें वीडियो में, ठीक है? तो देखते हैं नेफ रिएक्शन क्या होती है। कि ये जो नेफ रिएक्शन है इसको यूज किया जाता है सिंथेसाइज्ड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को सिंथेसाइज्ड करने के लिए हम नेफ रिएक्शन का यूज करते हैं। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन। और ये एल्डिहाइड और कीटोन ही इस रिएक्शन के अंडर आपके प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है? अब जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा वो क्या रहेगा? जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसे हम सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं। अब वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारा नाइट्रो एल्केन। अब नाइट्रो एल्केन जो है वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ठीक है ना? अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो ये RCH2NO2 है, जो NO2 है वो हमारे प्राइमरी कार्बन से अटैच हुआ है, ठीक है ना? प्राइमरी कार्बन क्या होता है? एक कार्बन के आसपास और कितने कार्बन अटैच हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका एल्काइल ग्रुप ऐड है, ठीक है ना, अटैच है। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। और ये आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है। सेकेंडरी का मतलब होता है एक कार्बन दो कार्बन से आपका अटैच हो और उस कार्बन पर NO2 ग्रुप लगा हो, वो हमारा सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन होता है, ठीक है ना? तो नाइट्रो एल्केन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कोई भी हो सकता है, मैंने बता दिया है ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है ना? अब जो कैटलिस्ट है हमारा, इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होंगे, रिएजेंट यूज होंगे, वो क्या होंगे? कैटलिस्ट इज बेस एंड एसिड। बेस भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना? और दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सिर्फ इसमें तो एसिड नहीं है या फिर इसमें दोनों आ गए, इसमें बेस एंड एसिड दोनों रहेंगे। और वो बेस एंड एसिड आपके कोई भी हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि फिक्स है कि यही बेस रहेगा या फिर यही एसिड रहेगा, ठीक है ना? जितने भी आपके बेस एंड एसिड हैं वो आपके कोई भी बेस एंड एसिड हो सकते हैं। एसिड आपका लुइस एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना? तो जो नेफ रिएक्शन है वो आपकी कैसे होगी कि नाइट्रो एल्केन आपका सबस्ट्रेट रहेगा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर। जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है नाइट्रो एल्केन इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और उसकी जो रिएक्शन होगी एनी बेस एंड एसिड के साथ, विद बेस एंड एसिड, और हमें फॉर्म क्या होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है? वो हमारा बेस रहेगा किसके ऊपर कि हमारे कैटलिस्ट यूज कौन सा बेस और एसिड, उसके अंदर क्या यूज हो रहे है, ठीक है ना? उसी के हिसाब से हमारे एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होंगे हमारे, ठीक है? अब हम जो है कि ये रिएक्शन है हमारी नाइट्रो एल्केन की, किसी भी बेस और एसिड के साथ हम कराएंगे। अगर हम कोई बेस चेंज कर दें या एसिड चेंज कर दें तो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन दोनों के अलावा कोई और प्रोडक्ट आ सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बेस और एसिड आप यूज करो, यहाँ पर प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा अगर आप रिएक्शन नाइट्रो एल्केन के साथ कर रहे हो तो, ठीक है? अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट नाइट्रो एल्केन है तो आपका प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन ही बनेगा, ठीक है ना? तो आपके कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, जैसे KOH आपका बेस है, HCl एसिड है, TiCl3 आपका लुइस एसिड है, एंड KHSO5 ये आपका ऑक्सोन है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? NaOH आपका बेस है। अब जो ये KHSO5 है ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसको हम ऑक्सोन बोल देते हैं। अब ये जो ऑक्सोन है आपका, अब इस ऑक्सोन का हम अगर पूरा नाम देखें
जो आपका ऑक्जोन है उसका नाम आप देखें, जैसे KHSO5 है, ये आपका जैसे KHSO5 है, तो इसका नाम है आपका पोटाशियम पर ऑक्सी मोनोसल्फेट, ठीक है, जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप कोई भी एसिड और बेस आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए एक रिएक्शन लिखी है, ठीक है ना, ये आपकी एक रिएक्शन है जिसमें आपका नाइट्रो एल्केन आपका एक, ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग आपका जो सबस्ट्रेट था वो भी है, और इसके साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। और हमारे जो कैटेलिस्ट में क्या क्या यूज हो रहे हैं, सबसे पहले हमने उसे हीट किया है, फिर लुईस एसिड है, फिर हमारा HCl है, ठीक है ना, उसके साथ हम इनकी रिएक्शन कराएंगे। और रिएक्शन कराने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, हमारा ये कीटोन फॉर्म हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब ये कैसे मिला है ये हम जानेंगे मैकेनिज्म में, कि ये आया कैसे है और ये किस प्रकार से नाइट्रो एल्केन के साथ काम करेगा, ठीक है ना। जैसे दूसरी रिएक्शन ली है मैंने आपकी NO2, अब जो ये NO2 है ये NaOH बेस है, आइसोप्रोपल CHO आपका और TiCl3 और H2O, इसके साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम जानेंगे इन सभी रिएक्शनों को। और भी रिएक्शंस लेंगे, और भी एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो मैकेनिज्म ही होता है, क्योंकि मैकेनिज्म से ही हमें पता लगता है कि हमारी रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। तो फ्रेंड्स इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे हमारी ये रिएक्शन थी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, ठीक है, हम इसको बेस और एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, तो हमारा क्या बन रहा था, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है ना। जब हम प्राइमरी लेंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी लेंगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखना कि जब अगर हम प्राइमरी नाइट्रो एल्केन ले रहे हैं तो एल्डिहाइड बन सकता है, और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन लेंगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है ना। अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसा है। जैसे हमने लिया है आपका ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन, ठीक है ना, मैंने नाम लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ये हमारा सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है। अब ये जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है इसे हमने करवाया बेस के साथ रिएक्शन, ये KOH आपका बेस होता है, K+ और OH-, ठीक है ना। अब बेस का काम क्या होता है, एसिडिक H+ को बाहर निकालना। अब एसिडिक H+ हमारा कहाँ पर है, कार्बन का, ठीक है ना, नाइट्रोजन के पास तो एच है नहीं, तो यहाँ पर हम कार्बन के H+ को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और NO2 क्या करता है, हमारा माइनस आई इफेक्ट करता है। अब जब ये माइनस आई इफेक्ट करेगा और KOH यहाँ से H+ को बाहर निकाल देगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। H जो है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर जा रहा है तो छोड़ के क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ये हमारा माइनस आई इफेक्ट है, ये माइनस आई इफेक्ट कैसे दिखाता है, इस प्रकार दिखाता है, मैंने NO2 को खोल के दिखा दिया आपको, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड O होता है और एक सिंगल O होता है माइनस, और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब क्या है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है, और इसका डबल बॉन्ड आपका यहाँ पर O पर नेगेटिव के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप है आपका ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, जो नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ किया, ये डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और इसका डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर कर दिया, ये O नेगेटिव और O नेगेटिव आपके दोनों आ गए, ठीक है ना। अब जो ये स्पीसीज है आपकी, ठीक है ना, ये स्पीसीज आपकी रिएक्टिव स्पीसीज है, और यहीं से आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। यहीं से आपके एल्डिहाइड बनेगा, यहीं से आपके कीटोन बनेंगे, आई बात समझ में। ये जो रिएक्टिव स्पीसीज है यहीं से आपकी नेक्स्ट रिएक्शन चलेगी, और यहीं से आपके एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे, और ये आपकी मेन स्पीसीज है, ठीक है ना, मैकेनिज्म के अंदर। इसका हमने ट्रांजिशन कर दिया, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ट्रांजिशन लिख देना आप, ये मैंने ट्रांजिशन किया है। ट्रांजिशन करने के बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड N पर चला जाएगा, ये जो बॉन्ड है इसका हमने N के पास पहुँचा दिया है। N पर जाने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज N का हट जाएगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा,
तो ये इस प्रकार से आ गया, ये आपका सी और आर आर और ये है आपका एन ओ और ओ, ये नेगेटिव रहेंगे आपके। ठीक है, जब सी ने अपना बॉन्ड नाइट्रोजन को दे दिया, अपने लोन पेयर नाइट्रोजन को दे दिए, तो क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या बन गया, आपका कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बन गया तो यहाँ से क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो यहाँ पर आप कोई भी एनी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है, जो कि मैंने लिख दिया है। ये आपकी ट्रांजिशन करने के बाद आपकी न्यू स्पीसीज आई थी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन तो आपकी यहीं पर ख़त्म होती है, जो आपकी मैंने मेन स्पीसीज बताई थी, यहाँ से आपके चलते हैं केस। जैसे मैंने लिया केस फर्स्ट, मतलब यहाँ से हमारी रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका केस नंबर वन, कि पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले देखेंगे क्या चीज़ बन रही है, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे क्या क्या बन सकता है। वैसे तो हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन ही बनने, लेकिन हम अपने रिएक्शन करके देख रहे हैं। जैसे केस फर्स्ट में मैंने लिया है एसिड, एसिड में क्या है हमारे 2H+, ठीक है ना। एसिड से हमारे आए हैं 2H+। अब वो 2H+ क्या करेंगे, हमारे जो H+ हैं, ये जो केस फर्स्ट है और यहाँ से मैंने एसिड लिया है, इसको हम करेंगे इस पर अप्लाई, क्योंकि यहीं से हम केस फर्स्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारे मेन प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो जब हमारा एसिड यूज होगा और वहाँ से H+ हमारे पास आएंगे, H+ क्या करेंगे, यहाँ से इन O को प्रोटोनेट कर देंगे, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देंगे। अब हमने 2H+ लिए हैं, दोनों को प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट करने का मतलब क्या होता है, H+ ऐड हो जाएगा, जो 2H+ लिए हैं ना, मैंने अलग से लिख दिया है, इसका मतलब होता है यहाँ पर आपके H+ ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका RCR, ये सब सेम रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड N पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा HH जुड़ जाएंगे, OH और OH, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और माइनस दोनों बराबर हो जाएंगे और माइनस चार्ज आपका यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप क्या आया है, ये आया है, ठीक है ना। जो एसिड लिया है इस रिएक्शन पे, इस स्पीसीज पे अप्लाई हुआ है और ये हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन पे ट्रांसफ़र कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए कार्बन अपने इस बॉन्ड को यहाँ दे देगा, और बॉन्ड को देने के बाद इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आते ही मैंने क्या कहा था, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल आपका कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई बताया नहीं था कि न्यूक्लियोफाइल यही होता है। H2O आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है ना, जो कि आपका यहाँ पर अटैक करेगा। अब ये H2O कहाँ से आ गया, H2O आपका एसिड के अंदर से आया है, यहाँ भले ही हमने लिखा नहीं है H2O, या फिर आपके एग्जाम में H2O नहीं लिखा हो, बट एसिड के अंदर आपका H2O होता है, ठीक है ना। आपका वाटर होता है एसिड के अंदर, तो एस जो आपका वाटर है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका यहाँ पर कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हमारी रिएक्शन यहाँ पर आएगी, अलग से आप लिख लेना, मैंने यहाँ पर अलग से लिखा नहीं है, इस स्टेप को आप लिखना, और यहाँ से क्या करना, ये स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि मैंने ट्रांजिशन किया था, ठीक है ना। ट्रांजिशन जो किया था ना, वहाँ इस तरह से आएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद क्या होगा, हमारा इस नई स्पीसीज ये आ गई, ठीक है ना। ये आपका सब सेम रहेगा, जो बॉन्ड यहाँ पर गया था उसने पॉजिटिव चार्ज को हटा दिया नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, 4 बॉन्ड आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया था, उसने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया OH2O, तो OH और H जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर यहाँ दे देगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक इसका ऑर्बिटल वैकेंट हो गया था, इसने अपने बॉन्ड यहाँ दे दिया था, तो ये अब अपने क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर इसमें दे देगा। अब लोन पेयर देने के बाद ऑक्सीजन आपका कार्बन से अटैच हो गया, अब यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से लीव होगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन यहाँ से कैसे लीव होगा, जो यहाँ पर ऑपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ जाएंगे, और ये जो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद H+ बाहर निकलेगा। अब ये H+ कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन से अटैच होने के बाद हमारी नई स्पीसीज आई है ये, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, अब OH बच गया, H+ तो बाहर निकल गया, और निकल गए कहाँ अटैच हो गया, नाइट्रोजन के पास। अब मैंने बताया था नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ तो 4 हो गई, 4 होते ही क्या, 4 होते ही क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, है कि नहीं। OH OH सेम चल रहे हैं आपके भी।
अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो OH पर लोन पेयर हैं वो अपने लोन पेयर कहाँ देंगे, यहाँ पर आपके कार्बन पर, कार्बन के बॉन्ड पर दे देंगे। लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ बॉन्ड दे देंगे। अब क्या होगा, जो ये कार्बन का बॉन्ड है ये क्या होंगे, यहाँ से बाहर मतलब लीविंग ग्रुप हैं आपके, ये लीविंग ग्रुप। कैसे, पहले हम यहाँ से H2O बाहर निकालेंगे, OH और एक H, ठीक है ना। H2O यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से आपका H2O बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या बचेगा आपका HNO, क्या बचेगा HN और O, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो H2O भी लिविंग ग्रुप है आपका और यहाँ से HNO भी लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बच गया, RCR और यहाँ डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर कार्बन के बॉन्ड पर दे दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जब ये आपका लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो यहाँ पर आपका वेकेंट हो जाएगा ना ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेकेंट होते क्या किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, लोन पेयर दे दिए, डबल बॉन्ड हो गया कार्बन के पास में, है कि नहीं। और यहाँ पर आप प्लस में HNO लिख सकते हो क्योंकि ये आपका बाहर निकल चुका है कि नहीं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो डबल बॉन्ड है ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेंगे, आपका H+ बाहर निकाल देंगे। अब ये जो हाइड्रोजन है इस प्लस चार्ज को लेके बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं। जब ये H+ बाहर निकल, -H+ बाहर निकल जाएगा तब क्या बच जाएगा आपका, डबल बॉन्ड O ही तो बचेगा, क्योंकि बॉन्ड थोड़ी नहीं लेके जाएगा ये, इसके प्लस चार्ज को बाहर लेके चला जाएगा, है कि नहीं। तो R, C डबल बॉन्ड O और R, ये क्या बन गया आपका कीटोन, ठीक है। तो पूरे मैकेनिज्म से केस फर्स्ट किया अभी हमने, जिससे हमारा क्या बना है कीटोन, जो हमारी मेन स्पीसीज थी या रिएक्टिव स्पीसीज है, यहीं से हमारे एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे। तो यहाँ से हमने केस फर्स्ट करके देखा है जिससे हमें क्या फॉर्म हुआ है कीटोन, और यही हमें मिलना देखना था, यही हमारा प्रोडक्ट था रिएक्शन का, है कि नहीं। रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट कीटोन ही बनना था, कीटोन ही बन गया, तो इससे हमारी रिएक्शन सही हुई है, है कि नहीं। अब आपको ये जो केस मैंने फर्स्ट किया है, फर्स्ट स्टेप केस फर्स्ट, ये समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ हमें समझ में आ चुका है। और आप भी करके अपने आप से भी देख सकते हो, बिना देखे एक बार वीडियो देख लें फिर अपने आप से करके देखना। तो केस सेकंड देख लेते हैं, केस सेकंड पर हम क्या है, ठीक है ना, कि ये केस फर्स्ट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब केस सेकंड देखते हैं, तो बच्चों अब केस सेकंड देख लेते हैं कि केस सेकंड में हमने क्या किया है। जो केस सेकंड है हमारा, ये हमारा मेन स्पीसीज थी हमारी, जो रिएक्टिव स्पीसीज थी हमारी, यहाँ तक आ रही थी हमारी रिएक्शन के अंदर जब हमने मैकेनिज्म किया था, तो यहाँ से हमारा केस फर्स्ट हमने कर लिया था। अब हमारा केस सेकंड है, केस सेकंड हमने क्या लिया है, ऑक्सोन। ऑक्सोन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका फॉर्मूला KHSO5, KHSO5 को यहाँ हमने खोल के लिख लिया है OOSO3HK, ठीक है। अब ये हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि जब हम इस बॉन्ड को यहाँ, जब ये अपने लोन पे यहाँ नाइट्रोजन को दे देगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है कि नहीं, जब हमने ट्रांजिशन स्टेट बनाई थी। अब क्या होगा, जब ये O यहाँ पर अटैच होगा तो ये स्पीसीज आएगी, ठीक है ना, सब सेम रहेगा, बस क्या होगा इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि इसने इसको दे दिया अपने लोन पेयर। अब क्या होगा, इस पर लोन पेयर आ गए नाइट्रोजन पे क्योंकि इसने दे दिए, अब नाइट्रोजन पर लोन पेयर आ गए और ये यहाँ पर अटैच हो गया OOSO3HK, ठीक है ना। अब यहाँ से OSO3HK, ये आपका एक गुड लीविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से लीव हो जाएगा, हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर किसे दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा, जब नाइट्रोजन अपने ऑक्सीजन को लोन पेयर देगा तो कैसे होगी, नेक्स्ट स्पीसीज इस तरह से होगी, यहाँ पर कार्बन पे भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे भी ऑक्सीजन से ये दोनों अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन ने फिर से चार बॉन्ड बना लिए, फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया, है कि नहीं। अब क्या होगा, जो ये कार्बन है यहाँ से इसका बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये जो नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और जो NO2 है आपका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, NO2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कीटोन फॉर्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या होगा आपको समझ में आ गया ना, NO2 बाहर हो गया। अब NO2 को बाहर निकालने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ से NO2 बाहर निकलेगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा,
ये हमारा केस सेकंड था, ठीक है ना, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ किया। अब है हमारा केस थ्री। केस थ्री में हमने क्या है, ये स्पीसीज हमारी सेम टू सेम ही रहेगी, आपको लिखनी पड़ेगी ये स्पीसीज हर केस में हर जगह पे, और यहीं से हमारी आगे की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। जैसे हमने टी आई सी एल थ्री एक ल्यूस एसिड के साथ किया है, इसके पास जो टी आई है आपका, ये इसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इस वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा। ऑक्सीजन लोन पेयर दे देगा तो क्या होगा, इससे अटैच हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अब क्या होगा, यहाँ से हमने ये हमारा सब स्पीसीज सेम टू सेम रहेंगी, बस जो डी ऑर्बिटल में ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए थे वो अटैच हो जाएगा, ओ टी आई सी एल थ्री, यहाँ से एक सी एल माइनस बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ओ टी आई सी एल टू, सब सेम रहेगा, यहाँ से ये ओ टी आई सी एल टू यहाँ रह गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जो है ओ टी आई सी एल टू, ओ सी आई ओ टी आई सी एल टू एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, इसे बाहर निकलना पड़ेगा। ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर O माइनस बचेगा वो क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा बाई एच प्लस, ठीक है ना, एसिड से। ये यहाँ पर ल्यूस एसिड की रिएक्शन चल रही है और ल्यूस एसिड से एच प्लस आएगा और क्या होगा, यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा। अब प्रोटोनेट होते ही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्पीसीज हमारी ये बनेगी R, यहाँ से सी आर आर डबल बॉन्ड N, और ये आपका OH, क्योंकि यहाँ से ओ टी आई सी एल टू तो बाहर निकल गया था। जब ये बाहर निकल गया था क्या हो गया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड रह गए, और यहाँ ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो गया था, ये प्रोटोनेट होते ही क्या हो गया, OH आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, एच एन ओ आपका बाहर चला जाएगा, है कि नहीं, ये जो चीज़ है आपकी एच एन ओ एच, ये बाहर चली जाएगी एच टू ओ से। जब ये एच टू ओ से बाहर जाएगी तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ए आर सी आर डबल बॉन्ड ओ, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पर कीटोन फॉर्म हुआ है। अगर यहाँ पर प्राइमरी होता तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड बन जाता। अब सेकेंडरी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हमारा कीटोन बन रहा है। जब हम प्राइमरी लेंगे तो प्राइमरी पे क्या होगा, हमारा ऑब्वियसली एल्डिहाइड बनेगा, है कि नहीं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में रिएक्शन में आपको बताया था। जब हमारा प्राइमरी नाइट्रो एल्केन होता है वहाँ एल्डिहाइड बनता है प्रोडक्ट, और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन से कीटोन बनता है। और सेकेंडरी का हमने एग्जांपल ले लिया है, प्राइमरी का आप खुद से कर लेना, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस सेकेंडरी की जगह प्राइमरी लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से एक आर को इरेज कर देना है और एक एच लगा देना है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी थे आपके, है कि नहीं। तो केस फर्स्ट भी होगा, केस सेकेंड भी हो गया, केस थ्री भी हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, हमारा मैकेनिज्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब कुछ और एग्जांपल, कुछ रिएक्शंस की एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन में कैसी कैसी रिएक्शंस आती हैं, किस प्रकार से आती हैं, तो उन्हें आप कैसे करोगे, ठीक है ना। जैसे अब हम नए रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमारी एग्ज़ाम में रिएक्शंस आती हैं, जो हमारे नेट एग्ज़ाम में, तो केमिस्ट्री का जो भी एग्ज़ाम है उसमें हमारी रिएक्शंस ये देखी गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो सबस्ट्रेट है, ये स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर हीट किया टी आई सी एल थ्री, ये हमारा कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर क्या बनेगा देख लेते हैं हम, क्या बनेगा हमारा। अब ये जो रिएक्शन है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिससे हमारा डाइस एल्डर रिएक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो ये 4 है, ये प्लस 2 है, ठीक है ना, साइक्लो एडिशन होगा, ठीक है ना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा इन दोनों का। इन दोनों का जब साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख लिया और इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है। अब साइक्लो एडिशन होगा, ठीक है, इन दोनों का साइक्लो एडिशन होगा, मतलब साइकिल के फॉर्म में एडिशन होगा। साइकिल के फॉर्म में एडिशन होगा तो क्या होगा, जैसे हम इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3, 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है ना, हमें आसानी होगी। तब क्या होगा, ये यहाँ जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड आपका इससे ऐड होगा
और ये बॉन्ड आपका इससे ऐड होगा। तो इस प्रकार से हमारी बेंजीन बन गई पूरी। बेंजीन बनते क्या हो गया, वन कहाँ लिया था हमने, इस जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है ना, क्योंकि 5 पे तो हमारा NO2 आया था। ठीक है, तो हीट करने में हमारा क्या हो गया, ये साइक्लोएडिशन हो गया। अब क्या होगा, TiCl3HCl। अब TiCl3 क्या करता है हमारा, जब हमारा NO2 ग्रुप होता है मतलब कीटोन फॉर्म तो होता था, KS3 में हमने पढ़ा था अभी अभी क्या होगा, KS3 में TiCl3 हमारा यूज हुआ था NO2 की हम पूरी रिएक्शन यहाँ मैकेनिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले समझा दिया था यहाँ हम नहीं करेंगे। TiCl3 से क्या होगा आपका, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहाँ Ti को दे देगा और लोन पेयर देने के बाद में क्या होगा, ये यहाँ से इससे ऐड हो जाएगा और आपका OTiCl2, फिर एक Cl- बाहर निकलेगा, फिर OTiCl2 बाहर उसके बाद बाहर निकलेगा और आपका फिर यहाँ से HNO बाहर निकलेगा H2O से, और उसके बाद में क्या होगा आपका कीटोन फॉर्म हो, आपका कीटोन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का आंसर आपका ये वाला है, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन ऐसे होगी। अब है हमारा दूसरा एग्जांपल, जैसे आपका ये है NO2 और यहाँ पर हमने इन दोनों H को ओपन कर लिया है। ओपन करके हमने क्या किया है, इन्हें हम ओपन इसलिए किया क्योंकि हमारे यहाँ से H+ निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस यूज हुआ है NaOH और आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड है और TiCl3H2O। अब सबसे पहले NaOH काम करेगा। NaOH क्या करता है, बेस क्या करता है हमारा, एसिडिक H+ को बाहर निकाल देता है। यहाँ से H+ को बाहर, एक बार H+ को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ लिख दिया। दूसरा क्या हमारा, आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड, इस आइसोप्रोपाइल को हमने और एल्डिहाइड को स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ओपन करके लिख ली है। ये आइसोप्रोपाइल एल्डिहाइड की यहाँ पर स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाते ही क्या होगा आपका, ये बॉन्ड जाते ही आपका क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर अटैक करेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, है कि नहीं। ये एक बार में ही रिएक्शन हो जाती है, वैसे मैं इसे खोल के दिखा भी सकती हूँ आपको, बट क्या होगा, ये आपका यहाँ पर इस तरह से एरो आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है, तो यहाँ से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पीसीज हमारी ये आई CH3, ये CH और NO2, ये तो है इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर एक CH3 है, ये कार्बन पर तो है आपका NO2, तो इस कार्बन पर NO2 है और एक CH3 है और एक H हमने ओपन कर लिया, ठीक है। अब इस कार्बन से कौन सा कार्बन अटैच हुआ है, ये वाला कार्बन, ये वाला ऊपर वाला, तो ये वाला कार्बन यहाँ पर अटैच हुआ है और यहाँ जब ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, आपका नेगेटिव भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम प्रोटोनेट करके OH भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ हमारा H है। अब इस कार्बन से क्या अटैच है हमारे, ये आइसोप्रोपाइल है कि नहीं, ये एल्डिहाइड ही तो था, एल्डिहाइड से हमने यहाँ इसको अल्कोहल बना दिया। अब क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल इसके साथ अटैच है, ये सेम टू सेम, इसे हमने ऐसे ही ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा, TiCl3H2O हमारा जो नेक्स्ट रह रहा था ये वाला, क्योंकि आइसोप्रोपाइल भी हमने ऐड कर दिया। अब सेकंड की बारी है TiCl3H2O। अब TiCl3H2O क्या करता है, जहाँ पर NO2 होता है वहाँ पर कीटोन फॉर्म हो जाता है कि नहीं। यही तो होता था TiCl3 हमारे, TiCl3 से वेकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ पर इस ये अपना ओ लोन पेयर अपने यहाँ दे देगा, ये इससे अटैच होगा, फिर यहाँ से OTiCl1Cl बाहर निकलेगा और फिर OTiCl2 बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से मतलब बात मोटी मोटी बात यह है कि जहाँ TiCl3 से NO2 ग्रुप पर आपका कीटोन ग्रुप फॉर्म होगा, है कि नहीं, क्योंकि हमने मैकेनिज्म पहले कर लिया था, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, आप देख लेना पहले, आप पीछे जाके देख सकते हो वीडियो में। तो NO2 की जगह क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा और बाकी सब सेम रहेगा, है कि नहीं। सिर्फ यही था आपका, तो इस रिएक्शन से आपके अगर इस तरह से आपका कैटलिस्ट आए तो आपका ये बनेगा, ठीक है ना। हमें एल्डिहाइड और कीटोन ही बनाना है, देखना है आपको एल्डिहाइड बन रहा है कीटोन बन रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपका कीटोन फॉर्म हो गया, ओके। तो ये आपकी रिएक्शन थी, दो रिएक्शंस मैंने करा दी, ठीक है ना। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ रही होंगी और वीडियो भी पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और आपको बिना देखे आपको करके देखनी है खुद से अपने आप से, जो चीज़ समझ में ना आए बता देना।
तो फ्रेंड्स, आप एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लिया है हमने। ये आपका लास्ट एग्जांपल रहेगा, इसके बाद आपके एनएफ जो नेफ रिएक्शन है वो फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो लास्ट रिएक्शन है आपकी, इस प्रकार ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका सबस्ट्रेट है जहाँ पर ये एनओ टू है, ई टी ओ एन ओ और ई टी ओ एच, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन है, यहाँ एक्स बनाना है, यहाँ वाई प्रोडक्ट बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो ये कैसे काम करेगा, अब सबसे पहले हम एनओ टू को क्या करेंगे, यहाँ से ई टी ओ एच जो बेस है आपका, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एच प्लस बाहर निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा एच प्लस बाहर निकलेगा एनओ टू, यहाँ एनओ टू के पास से। तो ई टी ओ एच हमारा बेस है, एच प्लस को बाहर निकाल देगा, माइनस चार्ज आ जाएगा इस प्रकार से। फिर ये आपका, तब इसके साथ आपका रिएक्ट होगा, ठीक है ना। रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड आपका, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होगा। और जब ये आपका कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा और तब ये न्यूक्लियोफाइल आप अटैक करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो एनओ टू है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और यहाँ पर हम जब दूसरे प्रोडक्ट के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज हमें प्रोड्यूस करना होता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब उसके बाद ये यहाँ पर अटैक करेगा, तब ये ऐड होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ चला गया तो क्या हो गया, ओ एन ए प्लस, क्योंकि हमारा अभी ई टी ओ एन ओ रह रहा है, तो ये इसके साथ काम होगा जब हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पहले बेस कर दिया था, उसके बाद हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, एन ए प्लस आ गया इसके साथ, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया था, और जो ये है एन ओ टू, क्योंकि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन पर एन ओ टू अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन से एनओ टू अटैच है और एक सी एच थ्री अटैच, और ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से जो ओ एन ए प्लस है, यहाँ से एच प्लस आपका यहाँ से जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, एन ए प्लस को बाहर निकालेगा और यहाँ से इसे प्रोटोनेट करेगा। प्रोटोनेट करने के बाद में क्या होगा, आपका ओ एच बच जाएगा, सब बाकी सेम रहेंगे। यहाँ ओ एच आ गया, यहाँ से एनओ टू आ गया। अब क्या होगा, इसके बाद है के ई टी। के ई टी क्या होता है, कीटो इनोल टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म से क्या होगा, आपका यहाँ से ये जो एच है यहाँ से हट जाएगा, ये बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी सब सेम रहेगा। उसके बाद हम टी आई सी एल थ्री करेंगे एच टू, और टी आई सी एल थ्री से आपका जहाँ एन ओ टू, हमें डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। हम कीटोन फॉर्म करना, हमें कीटोन प्रोडक्ट बनाना है, तो ये हमारे यहाँ पर कीटोन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी, और इस प्रकार से होगी ये। और अब आपकी नेफ रिएक्शन ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरी वीडियो और पूरी रिएक्शन समझ में आ गई होगी, और आ गई हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ। अगली रिएक्शन देखेंगे कौन सी करेंगे हम। थैंक यू।